हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डॉली पोरवाल्स किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ मसाला पाव। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पाव, जो मुंबई का स्ट्रीट फूड है, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं मसाला पाव बनाना। मसाला पाव बनाने के लिए पहले हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम गरम होने देंगे। गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हम क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज कटा हुआ डाल देंगे। और 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। और हम इन सबको अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज में कलर आने लगा है, अब हम इसमें महीन चॉप की हुई 1 शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 थोड़ी देर इनको भूनेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें महीन महीन कटे हुए टमाटर डाल देंगे। एक चम्मच नमक, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इनको पकाएंगे अच्छे से और टमाटर को साथ में मैश करते चलेंगे। टमाटर को मैश करते हुए पकाएंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो गई हैं, अब हम इसमें बटर डाल देंगे। और ये हरा धनिया डाल देंगे। ये पाव का मसाला बनकर रेडी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम ये पाव सेक कर तैयार कर लेते हैं। एक साइड से पाव सिक गए हैं, अब हम इनको पलट लेते हैं। ये देखिए, इस साइड में भी हम सेक लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी सेक सकते हैं। थोड़ा सा बटर डाल दें, मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया,
और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। अब इनके ऊपर इस तरह से पाव रख दें, इस तरह से भी सेक सकते हैं, और ये मैंने पहले सादा सेके थे, इस तरह से भी आप पाव सेक सकते हैं। ये देखिए मैंने पाव सेक लिए हैं, अब हम मसाला लगाकर तैयार करते हैं इनको। इन पर अच्छे से इस तरह से मसाले को फैला देंगे। ये मैंने पाव के ऊपर मसाला लगा लिया है, अब इसे सेब से गार्निश करेंगे। आप भुंजिया से भी कर सकते हैं। और ये पतले पतले स्लाइस कटे हुए पनीर के, मसाला पाव को मैंने महीन सेब से और पनीर के जूलियंस से गार्निश कर दिया है। देखिए कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं और बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।